अरब कंट्री में मुलाजिमत के लिए बाहर गए थे काम करने के लिए, कुछ करेंगे बोलकर। उन्होंने जो है सो अच्छा अच्छे नेचर के अच्छी तबीयत के थे, वहाँ जाएंगे कुछ करेंगे कुछ बनेंगे बोल के। नवंबर के महीने में 2015 में गए थे उन्हों कुछ अच्छा करेंगे बोलकर। तो एक साल तक तो उन्हों अच्छे ही थे, बेहतर थे, जो रह रहे थे कर रहे थे सब ठीक थे। उसके बाद एक साल के बाद उनके साथ कुछ हादसा हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो उनको जब से उनको सैलरी देना बंद कर दिए, सैलरी नहीं दे रहे थे उनको और टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने ये बात घर पर नहीं बोले, घर में जैसे वालदा बहुत बीमार है, हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उनको नहीं बोल सके। हम लोग अभी छोटे बहना है, मिडिल फैमिली से है हम लोग भी, तो ये बात नहीं बोले उन्होंने, अपने तक ही रखे। उनको टॉर्चर कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, नहीं बोल के अपने तक ही रखे। और जो है सो उसके बाद जो सो सैलरी देना या जो भेजना था पैसे वो बंद कर दिए, 6 महीने से नहीं भेज रहे थे। फिर उसके बाद उनको क्या टॉर्चर करें हमको तो नहीं मालूम। फिर उसके बाद जो है सो रमज़ान में 1-2 महीने में आ जाएंगे बोल के ऐसा बोले। हम लोग बोले सब जने आ जाओ, उनको वहाँ ज़रूरत नहीं है मुलाजिम करने की, अकेले रहने की करने की, सब बहुत याद कर रहे हैं, यहाँ आ जाओ। वालदा की तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी और बहुत याद कर रहे थे उनको, उनके लिए बहुत बेचैन रह रहे थे, वापस आ जाने के लिए बहुत बोल रहे थे। तो दो महीने में अब आ जाएंगे उन्हों, आ जाते बोल के कोशिश कर रहे हैं, बोले रमज़ान यही गुजारेंगे। और अचानक क्या हादसा हो गया हम लोग को नहीं मालूम, उनको जो है सो उनके साथ क्या कर दिया, बिल्कुल जला के टॉर्चर करे, क्या करे उन्हों कुछ बोले नहीं करे, उनको टॉर्चर करके जला दिए, बिल्कुल दिन में जला दिए, नहीं मालूम कैसा जला दिए, नहीं मालूम इतना जला दिए कि उन्हों बिल्कुल हॉस्पिटल चले गए और जो है सब मरने को आ गए। तो उनको 75% बर्न इंजरीज हुआ बोल तो जला दिया गया 75% बोल के हमें एक इन्फॉर्मेशन भी है सोर्स से। तो किस दिन आपको मालूम पड़ा कि आपके भाई को जला दिया गया? हमको 31st के दिन मालूम हुआ, हमको डिटेल 1st के दिन मालूम हुआ कि उनको ऐसा इंजरी हुई थोड़ी बहुत। उसके बाद कंटिन्यू फोन ना करने लगे हम लोग जो है सो, तो लोग तो ठीक है बेहतर है, जल्द से जल्द भेजेंगे उनको, 2 महीने में भेजेंगे, रिकवर हो जाते उन्हों अच्छे, उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप लोग तसल्ली रखो बोले। हम लोग भरोसे पे थे, हम लोग के साथ कोई नहीं थे, हम लोग जो है सो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम लोग ज़्यादा मालूमात नहीं थी इस बारे में, किस बारे में भी तो हम लोग ज़्यादा नहीं वो कर सके। तो आप पुलिस तक जाने की कोशिश नहीं की क्या? जी हो नहीं करे, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोग नहीं गए वहाँ पर, हम लोग समझे वो लोग हमारे साथ इंसाफ करेंगे, एक मुसलमान कंट्री में गए उन्हों जो से उनको अच्छे है बोल के बोल रहे थे, उन्हों अच्छे रखेंगे, उनको अच्छा देखेंगे। कोई बाहर के देश से मुलाजिमत के लिए गया तो उसको अच्छा रिस्पेक्ट करेंगे, उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे बोल के समझे थे हम लोग, इतना बड़ा करेंगे बोल के हम लोग नहीं समझे थे उनके साथ ऐसा करेंगे बोल के। तो अभी देखा गया तो जो इंडियन एम्बेसी है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे वहाँ से एक मैसेज आया कि 18th के दिन आपके भाई का मौत हो गया है, और वहाँ की लोकल पुलिस बता रही है कि कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो एम्प्लॉयर का बेटा है और वहाँ का सऊदी नेशनल है, और आपके भाई का झगड़ा हो गया था, एक झगड़ा हो गया था, उसके बाद में जला दिया गया, कुछ स्टैब इंजरीज भी हुए। इस बारे में कुछ डिटेल नहीं है, कुछ ऐसा हुआ लड़ाई हुई झगड़ा हुआ बोल के हमको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, कुछ हादसा हो गया बोल के ऐसा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया बोल के ये हादसा मालूम हुआ हमारे, इतना बोले हम। तो अभी देखा गया तो अभी जो जला देने के बाद हॉस्पिटल में भी जाए थे, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते लेते मर गए बोल के भी लोग बोल रहे हैं, और बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी विजय बोल के बोल रहे हैं। अभी आप क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाह रहे कि हमारे भाई को इंसाफ दिलाओ, वो लोग बाहर कंट्री में मुलाजिमत के लिए गए थे कि ऐसा सुलूक करते हैं किसी इंसान के साथ, मुसलमान के साथ ऐसा सुलूक तो नहीं करना चाहिए, उनको पूरी तरह इंसाफ दिलाओ, उनसे जो हो सका अच्छे से करो उनके लिए, और उनको जो है उनकी बॉडी यहाँ भेजो, उनकी वालदा उनको देखने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, उनकी बहुत तबीयत ख़राब है, उनके साथ ज़रा आप लोग भी कॉपरेट कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हमारे इंतकाल की बात अभी मालूम हुई, हमारे भाई का इंतकाल हुआ बोल के हमको अभी मालूम हुआ, हमको उससे पहले नहीं मालूम था उनका इंतकाल हो गया बोल। तो अभी हो के भी 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गया, 6 दिन से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन ही, तो हम लोग ये सूरत में एम्बेसी के पास गए, इंडियन एम्बेसी के पास अब गए हम लोग। तो इंडियन एम्बेसी वाले क्या बता रहे हैं? अब क्या बताओ, आज बोले उन लोग आज उनकी मौत हो गई बोल के, आज लोग ही बोले हम लोग, उससे पहले हमको कुछ न्यूज़ नहीं मालूम। आपका नाम बताइए? मेरा नाम शबाना बेगम। मेरे बच्चा बोल के नहीं आ, मेरे को मैं जा रहा हूँ निकल के, अगर बोला मेरा बच्चा बोलो
बोलो मेरे बेटे को इंसाफ दियो बोलो। देखो देखो अम्मा देखिए अम्मा आपके बेटे इंसाफ दिला दो बस बताओ बस राइट।